ये कौन सी साड़ी है भैया? ₹35 में? क्या बात है, 35 रुपीज की साड़ी। मतलब मैं सुनती थी कि गुजरात वगैरह में मिलता था, सूरत वगैरह में, पर अरे वाह मार्केट में अभी भी नहीं खुला है। अरे वाह, एक तो मैं ले ही लूँगी। 5 मीटर है भैया? 5 मीटर है क्या? 6 बार पूरा 6 बार आएगा। तो एक मुझे खोल के दिखा दीजिए, मैं ले लूँगी ना 35 की साड़ी। ये खोल के दिखा दो, 35 की साड़ी, क्या बात है। लाइक एंड सब्सक्राइब। वाह 35 रुपीज की, वाह बहुत खूबसूरत है साड़ी, ये तो मैं ले ही लूँगा। बहुत सुंदर है, वाह। अरे वाह, कलर नहीं जाएगा ना? फुल गारंटेड है, फुल गारंटेड। ब्लाउज भी है क्या? ब्लाउज के साथ में। अरे वाह, 35 रुपीज में ब्लाउज नहीं, साड़ी क्या चाहिए और भाई? 35 में एक ब्लाउज का पीस, ब्लाउज का पीस भी एक नहीं आता भैया 35 में। अरे साड़ी मिल रहा है, सही, बहुत बड़ी बात है। ये दे दो मुझे, ये दे दो, दे दो मुझे। और ग्रे कलर का कोई साड़ी है क्या इसमें? ग्रे कलर में मिलेगा ना? ये वाली किसका क्या है भैया प्राइस? जो लहंगा है सिर्फ 1000 का लहंगा है, देखिए कितना खूबसूरत लहंगा है ना, मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा 1000 में। ये देखो और गेंजा 550 का, एक से एक और गेंजा, एक से एक कलर। वाओ, हल्दी में कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी हम लोग जा रहे हैं। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ एक न्यू मार्केट में, एक न्यू ओपनिंग हुई है, साड़ी का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उसमें 35 का सस्ता साड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रुनवाल माई सिटी से देखिए अभी हम लोग निकले हैं, वहाँ पर 35 से ले कर 10000 तक का साड़ी मिलता है। तो सारा साड़ी जितना कुछ है सब मैं दिखाऊँगी। लहंगे भी वहाँ पर 1000 से ले कर और 10000 तक के लहंगे मिलते हैं। तो लहंगे भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, और 1000 वाला जो लहंगा है ना बहुत ही अच्छा है, 600 का भी लहंगा है, मतलब हर वैरायटी का वहाँ पे साड़ी लहंगा सब मिल रहा है। तो एक्सपीरिया मॉल से देखिए थोड़ा सा ही आगे दुकान खुला है, और अभी हम लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर पहुँच कर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए सरस्वती टेक्सटाइल इसका मार्केट का नाम है, और दीपावली में ही इसकी ओपनिंग हुई है। आगे से कुछ इस तरह से दिखता है, और एकदम हाईवे पे ही है, हाईवे पे जैसे ही आप एक्सपीरिया मॉल से आगे बढ़ेंगे ना थोड़ा सा, हाईवे पे ही ये मार्केट है। तो चलिए चलते हैं अंदर, मेरी फ्रेंड अभी जा रही है, मैं भी चलती हूँ अंदर। हेलो गाइस, तो अभी हम आ गए हैं एक न्यू दुकान में जो कि अभी अभी दीपावली में ओपन हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले बाहर बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी है सच में, 120, 150, 130 हर तरह की वैरायटी है यहाँ पे, एक से एक साड़ियाँ। और गेंजा की भी साड़ी एक से एक है यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको। बहुत सुंदर कलर है, एकदम प्लेन और रिच लुक गुड। 350 वाला मिल जाएगा? 350 वाला कौन सा दिखाइए एक बार, ये साड़ी ब्रॉकेट है क्या? ये 640 ब्रॉकेट है, ये ब्रॉकेट ही है शायद, है ना? 640 ब्रॉकेट, अच्छी है साड़ी, लहंगा भी देखेंगे, लहंगा भी साइज लहंगा है ना। और ये वाला भैया 770 मिलन, अच्छा इसको, सॉरी कौन सा साड़ी बोलते हैं इसको? लीलन, लीलन ये सॉफ्ट कॉटन जैसा रहता है, बॉडी पे चिपक जाता है पूरा। 770 अच्छा, इसका किसका क्या है? तात वात का भी साड़ी रखते हैं, तात बंगाली साड़ी, अच्छा ये साड़ी, ये साड़ी उसका कलर, वो नीचे वाले का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, वो नीचे वाले का। मैं इस दुकान पे 3 बार आ चुकी हूँ तक, अच्छा तीसरी बार है ये। तो तुम्हें पता कैसे चला? दीपावली में तो खुला ही है ना ये दुकान, मेरे पति। अच्छा देखिए साड़ी बहुत चली, सिल्क की साड़ी है ये वाली, पेपर सिल्क ना। भैया कितने की है ये? भैया ये पेपर सिल्क कितने की है?
प्योर नहीं है। प्योर नहीं, इसमें और भी कलर है, दिखाइएगा जरा। बहुत सारे कलर, बहुत सारे डिजाइन। देखो इनके यहाँ पैठनी साड़ी भी एक से एक है, और प्राइस देखिए क्वालिटी वाइज प्राइस है इनके दुकान में, ये मुझे पता चला। जैसा आप क्वालिटी लोगे उस तरह का प्राइस है। और 35 वाला जो साड़ी है ना, रियली में मतलब है सस्ता, क्योंकि देखिए थोड़ा सा उसमें डिफेक्टिव है, मतलब थोड़ा सा कहीं पे उसमें कलर डिसकलर या थोड़ा सा कट वगैरह कुछ है, थोड़ा सा है, पर फिर भी 35 में मिलता ही क्या है। मैं तो यही बोलूँगी कि 35 में बहुत अच्छा है। मान लीजिए थोड़ा बहुत कट्स वगैरह है तो उसको आप रफू करा के पहन सकते हो। 35 में आजकल एक चॉकलेट भी नहीं आता, चॉकलेट भी कम से कम 50 रुपीज़ में मिलता है। तो 35 में अगर साड़ी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। और बाकी आपको जैसा मर्जी, हर प्राइस का साड़ी इनके पास है अवेलेबल। आपको 5000 का साड़ी चाहिए तो 5000 का भी साड़ी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सस्ता और सस्ता साड़ी है। ये जो कॉटन की साड़ी, इसकी क्या है प्राइस? 50 से स्टार्टिंग होती है। अच्छा, 770 पे एंड हो जाता है। एक आध पीस दिखाइए ना, दिखा सकते हैं। ये कॉटन है, 550 हल्दी में पहनने के लिए, देखो किसी की शादी है तो हल्दी में पहनने के लिए ऑर्गेंजा, बहुत सुंदर सुंदर ऑर्गेंजा साड़ी है। लग रहा है कि काश ढेर सारा पैसा लेता। क्या नहीं, छोटा नहीं होता है ये साड़ी। ब्लाउज देखो इसमें 80 सेंटीमीटर का ही आता है, कहीं भी ये साड़ी में दूसरी जगह भी ली हूँ तो 80 सेंटीमीटर ही रहता है इसमें ब्लाउज, मतलब 1 मीटर नहीं रहेगा इसमें ब्लाउज, आपको 80 सेंटीमीटर रहेगा इसमें ब्लाउज, 80 सेंटीमीटर पर हो जाता है। नहीं ये वाली किसका क्या है भैया प्राइस? ये आएगा आपको 490 रुपये। सही है, मैं 500 कर लिया। 130 रुपये सर, तुझे धोखा कहीं नहीं आया? 10 रुपये कम वाले में, कम में और यहाँ पे मिल रहा है साड़ी। मैं डोंबिवली से 500 में लाई थी, यहाँ पे मुझे और 10 रुपये कम में मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कलेक्शन भी, बहुत सुंदर है इसमें। अब तो मैं यहीं से लूँगी हर बार, अब हर बार मैं यहीं पे आऊँगी सच में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्राइस है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की साड़ियाँ मिल रही है इनके, है ना। शादी के शालू भी है। कितना बता रहे हैं? इसका 720 लिखा हुआ है, 640 है, पता नहीं भैया जो लिखा रहता है प्राइस उसी तरह से है या नहीं? नहीं, MRP रहती है ऊपर 720 रुपये। हाँ तो उस पर कम करके अपना 640। अच्छा चलो, और गेंजा देखते हैं। कितना खूबसूरत खूबसूरत साड़ी है माही, ले दो ना मुझे 2-4 साड़ी। मम्मा को बोलो आंटी के लिए ले दो, मम्मा को बोलो आंटी के लिए ले दो साड़ियाँ। साड़ी ही साड़ी, ऑर्गेंजा। इसमें भी मतलब अलग अलग प्राइस की साड़ियाँ हैं, है ना। नीलम इधर आ जाओ इस तरफ, यहाँ पे सब हैवी साड़ी है ना। पैठनी, पैठनी का क्या है, कितने से स्टार्टेड है उसका प्राइस क्या? 1000 रुपये से। अच्छा, 1000 से लेकर कितने तक का? 5000-10000। अच्छा, हैवी में जैसे चाहिए वैसा। हाँ मतलब पैठनी, हाँ ये वाला नेट वाला है ना, नेट का फैंसी साड़ी है। ये नेट का फैंसी साड़ी है, वाह लाल कलर का साड़ी, बहुत सुंदर लग रहा है, भी अच्छा लग रहा है। 1190 एकदम, आज तो एकदम पूरा दुकान खरीद लेंगे। सच में लग रहा है कि कितना खरीद ले ना। वो कितने का है वो, देखो कितने का है, नहीं उस पर लिखा नहीं है क्या? अच्छा, ये भी साड़ी अच्छी लग रही, देखो ये वाली है ना, 1100 की है। अब ठीक है ना यार, मतलब सही है, बहुत अच्छा अच्छा साड़ी। ये चाहिए आपको?
वाला साड़ी का क्या है प्राइस, वो दिखाई जरा। बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ के बैठने में कितना है प्राइस इसका दीदी, इसका रेट? बहुत खूबसूरत, ऐसे थोड़ा सा आप पल्लू पकड़िए थोड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइस इसका एक बार बता दीजिए कितना है दीदी, इसका रेट? नहीं आपको नहीं ले रही हूँ, मैं बस साड़ी को ले रही हूँ आज। कितना कितना है इसका प्राइस? 2000। ओके, और ऑर्गेंजा साड़ी किधर है? किसका भैया कितना है प्राइस ऑर्गेंजा का? सोलह सौ। और इसमें कम रेट वाले सारे? सारे की मतलब नहीं, ये वाले हजार रुपए वाले लहंगे, ये हजार हजार रुपए की लहंगे। हाँ, तो इसका ब्लाउज सिलवाना है ना? हाँ, बहुत अच्छा है भैया, थोड़ा उसमें मुझे कम प्राइस का दिखाइए ना ऑर्गेंजा में। अच्छा तुम्हें आना है, ये वाला कितने का है जो आप पकड़े हुए हो? ये भी 1000 रुपये वाला। बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत सुंदर कलर है। बहुत सुंदर है, थोड़ा सा ऐसे पकड़िए ना उसको। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ब्लाउज है ना? दुपट्टा दिखाइए, दुपट्टा दिखाइए, दुपट्टा। 1000 का लहंगा मतलब कोई कह ही नहीं सकता है, बहुत सुंदर है, बहुत रिजनेबल रेट है सही में। और वो लहंगा दिखाइए मैडम थोड़ा सा, बहुत खूबसूरत एकदम पूरा भरा हुआ है। साड़ियाँ भी मतलब बोलो तो पकड़ो नीलम ये लहंगा को। रुक जा नीचे से लेती, मस्त लग रहा है। कितना? 1800। अच्छा 1100। ओके, ये वाला थोड़ा, ये थोड़ा खोल के दिखाइए। इसमें डिजाइन आता है देखो ऑर्गेंजा में, है उस तरफ है आंटी, पर थोड़ा महंगा है वो। कितने का है वो? 1500, 1600, 1800 है। ये भी ऑर्गेंजा है? हाँ ये भी ऑर्गेंजा है। ये कितने का? ये 550 का है ना भैया? अच्छा लग रहा है। दिखाओ ये वाला, ये सब दिखा, ये वाला, ये वाला, ये 70 रुपये का चालू है, 70 रुपये। हाँ दिखा, 1000 रुपये में। हाँ 1, 2, 3 and 4 साड़ी लिया हमने, 5-6 साड़ी लिया है ना? राम राम। 35-35 रुपए की साड़ी, वाह 35 रुपए में ब्लाउज का 20 भी नहीं मिलता, पर यहाँ पे साड़ी मिल रहा है, एक से एक साड़ी। और भीड़ देखिए दुकान में, बहुत अच्छा अच्छा साड़ी है।
और ये वाला कितने वाला है भैया ये? और यहाँ पे एक मेरी जान पहचान की मिल गई। ये पहले जहाँ पे मैं रहती थी ना, बहुत पहले, मतलब आज के 8 साल पहले जिस बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में भी रहती थी। तो ये अचानक से मिल गई, तो फिर हम इनसे बात करने लगे कि देखो कितनी सस्ती साड़ियाँ हैं। और ये भी बताई मैं कि मेरा YouTube चैनल है, तो देखते रहिए आप लोग लास्ट तक। मेरा YouTube चैनल है जानवी। हाँ पता है, दिव्यांशु ने बोला था। हाँ, कुकिंग का भी कुछ है ना? कुकिंग का नहीं, अभी ब्लॉगिंग का है। खोलना मत, खोलना मत। 35-35 रुपये का उधर है, देखो सारा बंडल है उधर 35 का। क्यों, मेरे पहचान वाला वो सब 35 वाला। आओ, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है नीलम, उसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कलर। उसका प्राइस कितना है? 550। देखो साड़ी, ये देखो और गेंजा 550 का, एक से एक और गेंजा, एक से एक कलर। वाओ, हल्दी में पहनने के लिए, देखो किसी की शादी है तो हल्दी में पहनने के लिए और गेंजा। बहुत सुंदर सुंदर और गेंजा साड़ी है, लग रहा है कि काश ढेर सारा पैसा ले। क्या, नहीं नहीं छोटा नहीं होता है ये साड़ी, ब्लाउज देखो इसमें 80 सेंटीमीटर का ही रहता है। कहीं भी ये साड़ी में दूसरी जगह भी ली हूँ तो 80 सेंटीमीटर ही रहता है इसमें ब्लाउज, मतलब 1 मीटर नहीं रहेगा इसमें ब्लाउज, आपको 80 सेंटीमीटर रहेगा इसमें ब्लाउज, 80 सेंटीमीटर पर हो जाता है। साड़ी नहीं छोटा, नहीं नहीं 495। ये कितने का है? 495। और वो लाल वाला दिखा ना इसमें का, वो वाला कलर एक और था ना। हाँ, ब्लाउज कैसा है इसका? ब्लाउज बाप रे, इतना सारा साड़ी, लग रहा है दुकान खोलना है। नहीं, गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा है, सही बात है। आओ भैया, लहंगे भी लियो ना, लहंगे कितने? दो हैं क्या? अच्छा, दो लहंगे। कैसे लहंगे? ये बीच में आके बोलती है लाइक एंड सब्सक्राइब। वो कितना साड़ी ली जानवी की मम्मी? हैं? छेली। अभी तुम भी आने वाली हो यूट्यूब पे। मतलब जो भी यहाँ पे आता है 6-7 साड़ी से कम तो नहीं उठाएगा, है ना? चॉइस। थैली भर के एकदम साड़ी लेके तैयार है। बाप रे, लग रहा है कि दुकान ही खोलनी है एकदम। दिखा दो थैली जरा। ओ माय गॉड, एक से एक साड़ी, लहंगे सब लेके जा रही है मैडम दुकान खोलने। अभी हम लोग रुनवाल में दुकान खोलने वाले हैं, यहाँ से लेके जाके। भैया डिस्काउंट दीजिएगा, हम लोग रुनवाल में भी दुकान खोलेंगे आपके पास से। यहाँ पे हम लोग का शॉपिंग कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। देखिए कितना सारा साड़ी लहंगा सब नीलम ने ख़रीदा है, मैं तो बस 4-5 ही खरीदी हूँ 35 वाला, और नीलम बहुत सारा ख़रीदी है हर रेंज का। क्योंकि मैं अभी अभी शॉपिंग की थी दिवाली का, तो मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था साड़ी वाड़ी ख़रीदने का। वो तो बहुत सस्ता मिला तो मैं सोची चलो 2-4 ले लेती हूँ। और ये साड़ी का दुकान देखिए, मार्केट बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से थर्ड क्लास दिखने वाला जगह है या कुछ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छी जगह पे भी है, हाईवे टच है एकदम, तो आप आराम से आ सकते हो। तो अभी हम लोग रिटर्न आ गए हैं, देखिए रुनवाल माई सिटी, और अभी हम लोग बस घर जा रहे हैं। तो कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताइएगा, एक छोटा सा कमेंट करके, एक छोटा सा भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली। चैनल पे अगर क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपका वो बंदर लिया है अभी, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को।
मेरा बच्चा आ गया स्कूल से दौड़ते हुए।